हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बनाएंगे ईद स्पेशल में शीर खुरमा। बिल्कुल ही अलग तरीके से बताऊंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉईल करेंगे दूध को। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। जब तक कि दूध 50% ना रह जाए, आधा ना हो जाए, तब तक इसे उबालते रहेंगे। तो दूध को पहले अच्छी तरीके से उबाल लें। बस इसको ऐसे चलाते रहें और इसे उबालते रहें। फ्लेम को मीडियम ही रखें। एक पैन में 2 चम्मच डालेंगे देसी घी। देसी घी जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिया है नारियल, छुआरा, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता और चिरौंजी। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे निकाल के इस बचे हुए घी में सेवैयां फ्राई कर लेंगे। अब सेवैयों को फ्राई कर लेते हैं इसमें। ज़्यादा लाल नहीं करना, इसे थोड़ा ही फ्राई करना है। तो बस इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। फ्लेम को मीडियम रखें। बस अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस इसे 2 मिनट ऐसे फ्राई कर लें। अब गैस को कर देते हैं ऑफ। इसे निकाल लेते हैं। बस अब इसे निकाल लें। अब दूध को देख लेते हैं कि दूध कितना उबला है। ये देखिए, दूध को अभी और उबालेंगे और इसकी साइड साइड से ये जो मलाई जमती जा रही है इसको भी ऐसे निकालते रहेंगे। बस इसे ऐसे पकाते रहना है जब तक ये 50% ना हो जाए। ये देखिए, दूध भी गाढ़ा होता जा रहा है। बस इसके साइड से मलाइयाँ निकालते रहें और इसमें ऐसे चलाते रहें। अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बस इसको ऐसे चलाते रहें ताकि चीनी घुल जाए इसमें। अब इसमें डाल देंगे हम इलायची पाउडर। खुशबू के लिए डाल रहे हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी लगेगी। तो बस इसे ऐसे मिला लें अच्छे तरीके से। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये देखिए, दूध भी अच्छे तरीके से उबल चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम सेवैयाँ और ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले फ्राई किए थे। अब इसे पकाएंगे। ऐसे ही खुला करके पकाएं, ढक के नहीं पकाएं। बस इसे ऐसे पकाते रहें जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ये शीर खुरमा। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। बस इसे थोड़ा और गाढ़ा होने दें। बस इसे थोड़ा और पका लें। ये देखिए, शीर खुरमा बनके रेडी है। बस इतना ही गाढ़ा चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ा ये जम जाता है। तो बस अब गैस को कर देते हैं ऑफ। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
गरम गरम खाएं या फ्रिज में रख के खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।